हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं ग्रिल्ड पाइनएप्पल बना रही हूँ। पाइनएप्पल खाना तो हम सबको पसंद है और स्वीडिश में भी पाइनएप्पल फ्लेवर यूज़ होता है, जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो केक पेस्ट्री हो, आइसक्रीम हो। और फ्रेंड्स, पाइनएप्पल खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। हमें अपनी डेली डाइट में फ्रूट को ऐड करना चाहिए और कोई ना कोई फ्रूट हमें डेली खाना चाहिए। पाइनएप्पल से आप ग्रिल्ड पाइनएप्पल बना सकते हो, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ग्रिल्ड पाइनएप्पल में हल्का सा स्वीट, टैंगी, स्पाइसी फ्लेवर होता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और ये सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्रिल्ड पाइनएप्पल को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ग्रिल्ड पाइनएप्पल बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने पाइनएप्पल लिया है। पाइनएप्पल के छिलके को मैंने छील के और इसे हाफ कट करके रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको पाइनएप्पल कट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने पाइनएप्पल को कट करने के दो इजी तरीके बता रखे हैं। उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप पाइनएप्पल को बहुत ही आसानी से कट कर सकते हो। अब मैंने नाइफ ली है। अब हम नाइफ से पहले पाइनएप्पल को मैं इसे हाफ कट करूँगी और इसके बाद में मैं इसके पतले पतले से स्लाइसेस कट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पाइनएप्पल को लंबे से पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पाइनएप्पल को भी पतले स्लाइसेस में कट करके तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल में मैं आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप तीखा कम या ज़्यादा पसंद करते हो तो आप अपने हिसाब से मिर्ची को ऐड कर सकते हो। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, एक तिहाई छोटा चम्मच मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा छोटा चम्मच मैं इसमें जीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें दो चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसके लिए बहुत ही कम स्पाइसेस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस को थोड़ा और ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब हम नींबू के रस को भी मसालों में अच्छे से मिला लेंगे और इनका एक पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, लेमन और शुगर पाउडर डालने से पाइनएप्पल में एक टैंगी फ्लेवर आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हमने जो पाइनएप्पल के स्लाइसेस को कट करके रखा था, उस पाइनएप्पल के स्लाइसेस को हम इस बाउल में डाल लेंगे और जो हमने मसाला रेडी किया है, उस मसाले को हम सारे पाइनएप्पल के पीसेस पे अच्छे से लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमें मसाले को पाइनएप्पल के दोनों साइड्स पे अच्छे से लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने पाइनएप्पल पे मसाले को अच्छे से लगा दिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ रही हूँ। हम आधे घंटे तक पाइनएप्पल को मैरिनेट करेंगे। पाइनएप्पल को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स, और इसमें जो जूस है फ्रेंड्स, ये पाइनएप्पल का जूस है और जो हमने शुगर पाउडर ऐड किया था, शुगर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अगर आपके पास में ग्रिल पैन है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ और बटर को हम पूरे पैन में अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसमें पाइनएप्पल के पीसेस को रख देंगे। एक
गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं पाइनएप्पल के पीसेस के ऊपर थोड़ा सा शुगर पाउडर डाल रही हूँ ताकि पाइनएप्पल के स्लाइसेस जो हैं ये थोड़े से कैरमलाइज हो जाएं। हम इसे एक साइड से पहले 2 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपकी गैस हाई फ्लेम पर हुई तो ये जल सकते हैं। अब हम पाइनएप्पल के स्लाइसेस को पलट देंगे। और इनके साइड्स में मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। और इस साइड से भी हम इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। पाइनएप्पल की इस साइड पे भी मैं इनकी स्लाइसेस के ऊपर थोड़ा सा शुगर पाउडर डाल दूंगी। फ्रेंड्स, जब हमने पाइनएप्पल को मैरिनेट किया था तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड था, पाइनएप्पल का जूस था, उसे मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। उसी लिक्विड में हम पाइनएप्पल को अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब हम फिर से पाइनएप्पल के पीसेस को पलट देंगे। हमें दोनों तरफ से पाइनएप्पल के पीसेस को अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये हल्के से सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, पाइनएप्पल रेडी है। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और कैरमलाइज हो गया है। अब हम इसे फ्राई पैन से बाहर निकाल लेंगे और ग्रिल्ड पाइनएप्पल को हम सर्व करेंगे। ग्रिल्ड पाइनएप्पल खाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स, और देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये ग्रिल्ड पाइनएप्पल हल्का सा स्पाइसी, टैंगी और स्वीट है। जब भी घर में कोई पार्टी हो तो आप एज अ स्टार्टर इस ग्रिल्ड पाइनएप्पल को बना के गेस्ट को सर्व कर सकते हो। यह सबको बहुत ही पसंद आएगा। और बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे इस ग्रिल्ड पाइनएप्पल को खाकर खुश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, तो आप इस ग्रिल्ड पाइनएप्पल को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।